जबलपुर पार्षद ने 20 तालाब में कूदकर विरोध प्रदर्शन किया। हनुमानताल के निर्दलीय पार्षद कल्लू तिवारी ने अपने पूर्व घोषणा के अनुसार तालाब में कूदकर अपना विरोध प्रदर्शन किया, जिन्हें उन्हीं के लोगों ने बाहर निकाला। नाटकीय अंदाज में प्रशासन को खामियां सुधारने के लिए पार्षद के द्वारा यह कदम उठाना पड़ा। हालांकि पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद वे मान गए। पूरे एक घंटे तक हनुमानताला में नाटकीय प्रदर्शन चलता रहा। जबलपुर शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले हनुमानताल में चाहू और गंदगी बनी हुई है। आलम यह है कि अब तो लोग वहां ठहरने से भी कतराने लगे हैं। तालाब का सौंदर्यीकरण और साफ सफाई का दावा करने वाले निगम प्रशासन भी इसके रखरखाव की आड़ में जमकर भ्रष्टाचार कर रहा है। आपको बता दें कि निगम के आंकड़ों के अनुसार आधा सैकड़ा से अधिक कर्मचारी इस हनुमानताल की सफाई व्यवस्था में नियुक्त किए गए हैं, लेकिन महज 10 से 12 कर्मचारी सफाई करते दिखा देते हैं, और वे भी खाना पूर्ति के लिए। और ये कितना साफ करते हैं इसका नजारा कैमरे में कैद हो चुका है। हनुमानताल में गंदगी की दुर्गंध इतनी है कि आसपास संक्रमण रोगों का फैलना भी जारी है, लेकिन कर्मचारी अपने एसी चैम्बर में बैठकर आराम फरमा रहे हैं। वही अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगती। यह क्षेत्र राज्य स्वास्थ्य मंत्री के कार्यभूमि भी है, और संक्रमण बीमारी लंगड़ा बुखार से संक्रमित लोगों के सर्वाधिक आंकड़े इसी क्षेत्र में मौजूद है। क्षेत्रीय पार्षद श्याम कृष्ण तिवारी के अनुसार इस अव्यवस्था के संबंध में अधिकारियों से कई बार चर्चा भी की जा चुकी है, लेकिन निर्दलीय पार्षद होने के नाते हर बार उनकी उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। क्षेत्रीय जनता आए दिन अपने चुने हुए निर्दलीय पार्षद के पास मदद की गुहार लेकर पहुंच रही है, लेकिन आला अधिकारी न जाने क्या सोचकर खामोश बैठे हुए हैं। क्षेत्र में हो रही उपेक्षा एवं हनुमानताल में फैली गंदगी से नाराज निर्दलीय पार्षद श्याम कृष्ण तिवारी ने चेतावनी दी थी कि 24 घंटे के भीतर हनुमानताल की साफ सफाई नहीं की गई तो वे 20 तालाब में कूद कर जान दे देंगे। पर आज तिवारी तालाब में कूद गए और उनका विरोध भी दर्ज कराया। बता दें कि पार्षद इससे पहले भी इस तरह की नौटंकी कर चुके हैं। कभी वे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ जाते हैं, तो कभी बीच रोड में जनता के बीच वोट मांगने नाचने भी लगते हैं। इन्होंने विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा भी किया था। छोड़ दो नाव आओ अपनी सब डुबकी लगाने पकड़ो। मैंने अपना पर्चा जो भरा था उसमें जो घोषणा की थी जनहित में जीऊँगा जनहित में मरूँगा। अब जनहित में जीऊँगा मतलब पब्लिक मुझे हीरो बनाएगी तो मैं जनहित में जीऊँगा, और जनहित में कब मरूँगा जब हमारे क्षेत्र में डेंगू जैसी बीमारी होगी लंगड़ा बुखार, अगर इस पर शासन ध्यान नहीं देगा। अगर यहाँ पर किसी प्रकार की गुंडागर्दी होती है, दारूखोरी होती है, जेब कटती है, अगर प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो मैं शासन का दिमाग उस तरफ भी ले जाऊंगा। मैंने 3 दिन पहले TI महोदय और CSP को ही बताया था कि इधर पे चारों तरफ भी जो जो गड़बड़ियाँ होती हैं, और उन्होंने उसमें तुरंत कार्य किया और एक्शन लिया उसमें, और लोगों के लिए वहाँ जहाँ लोग दारूखोर बैठते थे, जुआड़ी बैठते थे, उन पर रोक लगाई। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा, ये महापौर लेडीज़ महापौर है। मैं 5 दिन डेंगू में भर्ती रहा भी अस्पताल में, मेरी धर्मपत्नी भी डेंगू में भर्ती रही। जिसके घर में ये पीड़ा होती है वही ये जान सकता है। डेंगू में अग्रवाल का बच्चा हर सिद्धि माता के बीच में 12 साल का ख़त्म हो गया। अभी एक सोनी परिवार के आदमी ख़त्म हो गए। लगभग 300 से ज़्यादा लोग लंगड़ा बुखार के कारण लंगड़ा के चल रहे हैं। आपके मीडिया के हर्ष तिवारी जी वो तो चल नहीं पाते हैं, रात दिन उसकी इलाज दवाई खाते रहते हैं, उनको भी डेंगू टाइप का हो गया। अब मेरे दमानों को हो गया, मेरे परिवार में हो गया, मेरे कार्यकर्ताओं को हो गया, तो मैं क्या करूं, चुप बैठूं क्या? आज आपने क्या किया है? आज मैंने वही किया, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। आप लोग कल आए थे, मैंने महापौर को जता दिया सुबह। अयाची ने बोला मैं कुत्ते की गैंग भेज रहा हूं और सुअर पकड़ने वाली, ना साली सुअर की गैंग आई ना कुत्ते की। 3 लोगों को सुबह कुत्ते ने काट खाया। क्या नाम जिसको काटा सुबह कुत्ते में? सगीर को काटा कुत्ते में। आज आपने तालाब में क्या किया है? मैंने तालाब में जब देखा कि 24 घंटे में कोई नहीं आ रहा है, और फूटा ताल में एक सुमरिया ने काट खाया लड़की को, वो बेचारी छोटी सी बच्ची थी, चट्टी कर रही थी, उसको भी जाके फोन में इतना सारा गुजर काट दी। अब बताइए, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, हमारी जनता सुरक्षित नहीं, मैं क्या करूं? मेरे पास एक ही उपाय है, मेरे शासन नहीं, मेरी सत्ता नहीं है, मैं निर्दलीय आदमी हूं। इसलिए मैंने संकल्प लिया कि जब तक शासन ऐसे नहीं मानेगा, शासन जब मानेगा जब उंगली टेढ़ी करना पड़ेगा, और मैंने टेढ़ी उंगली की। और मैं बीमार होने के बाद ये गंदा पानी पी गया, तालाब का 70-80 पानी है, कोई इसको पीता नहीं है, जानवर भी नहीं पीते, लेकिन मैं पूरा तो मेरे नाक आँख में आँख में घुस गया पानी, मुझे वेमिटिंग हुई, पैर में भी लग गया, और इतना सरल नहीं है। मरूंगा तो सदन के अंदर भवानी प्रसाद सभा कक्ष में मरूंगा, जब सारे जनपद ही रहे, पक्ष विपक्ष रहेगा, मेयर रहेगा, अध्यक्ष रहेगा, तब मैं बड़ा आंदोलन करूंगा, वो ऐतिहासिक आंदोलन होगा। अरे मैं एक पैर से आ रहा हूँ।
कहाँ से आ गए डॉक्टर? किसने बुलाया? शायद आजू वाले घोड़े वाले।